अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद आईजे पर। आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं डेली रूटीन में बोले जाने वाले 52 इंग्लिश फिक्रात। हम अपनी डेली रूटीन में जो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बोलते हैं, आज हम सिर्फ उनको फोकस करेंगे ताकि आप डेली रूटीन में ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बात कर सकें। अब सिर्फ सुनना काफी नहीं होगा आपके लिए ये सेंटेंसेस। मैं हर सेंटेंस को जो है वो रिपीट करूंगी, दो दफा जो है वो मैं बोलूंगी, आप एक दफा उसको सुनिएगा और नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ उसको बोलिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप जल्द से जल्द ये सेंटेंसेस जो है वो सीख सकें। आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज आप बहुत से डेली यूज होने वाले कॉमन सेंटेंसेस जो है वो आज आप सीखने जा रहे हैं। अगर आप लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लर्न विद आईजे को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। फीलिंग स्लीपी मतलब नींद आ रही है। मैं रोजाना 6 बजे उठता हूँ। I wake up at 6 o'clock daily. Wake up means उठता हूँ। मैं रोजाना अपने दांत ब्रश करता हूँ। I brush my teeth daily. मैं अपना अलार्म बंद कर देता हूँ। I turn off my alarm. टर्न ऑफ का मतलब है बंद करना। मैं नहा लेता हूं। I take a shower. शावर मतलब नहा लेना। मैं अपने बालों में कंघी करता हूं। I comb my hair. मैं तैयार हो गया हूं। I get dressed. Dressed मतलब तैयार हो गया हूँ। मैं अपना नाश्ता बनाता हूँ। I make my breakfast. Make मतलब बनाता हूँ। मैं अपना नाश्ता करता हूँ। I eat my breakfast. मुझे नहाने दो। Let me take a shower. चाय गरम करो। Heat up the tea. Heat up मतलब गरम करो। मैं सुबह चाय पीता हूँ। I take tea in the morning. पीने की वैसे इंग्लिश जो है वो ड्रिंक होती है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जब हम यूज करते हैं तो हम इस तरह से बोलेंगे I take tea in the morning. मैं रोजाना घर की सफाई करता हूँ। I clean up the house daily. मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ। I go to office at 9 o'clock. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं I go to the office at 9 o'clock. मैं अपनी दवा वक्त पर लेता हूँ। I take my medicine on time. मुझे चोट लगी है। I have got hurt. हर्ट मतलब चोट। मैं पौधों को पानी देता हूँ। I water the plants. मैं टेलीविजन देखता हूँ। I watch टीवी. यहाँ कूड़ा मत फेंको। Don't litter here. हम 5 बजे घर पहुंचे। We reached at home five o'clock. मैं फर्श साफ करता हूँ। I mop the floor. मैं खानदान के लिए या फैमिली के लिए रात का खाना बनाता हूँ। I cook dinner for family. क्या ये अच्छा है? Is it good? ये आपके लिए बेहतर रहेगा। It will be better for you. Better मतलब बेहतर।
मैं शाम को जिम जाता हूँ। आई गो टू द जिम इन द इवनिंग। आई गो टू द जिम इन द इवनिंग। मैं दोपहर का खाना 2 बजे खाता हूँ। आई ईट लंच एट 2 o'clock। आई ईट लंच एट 2 o'clock। लंच दोपहर का खाना। मुझे आइसक्रीम दो। गिव मी आइसक्रीम। गिव मी आइसक्रीम। मैं अपनी बिल्ली को खाना खिलाता हूँ। आई फीड माई कैट। आई फीड माई कैट। फीड मतलब खाना खिलाना। खाना लगाओ। सर्व फूड। सर्व फूड। मैं अपने बाल बनाता हूँ और मेकअप करता हूँ या करती हूँ। आई डू माई हेयर एंड मेकअप। आई डू माई हेयर एंड मेकअप। मैं रोजाना सुबह वर्जिश करता हूँ। आई वर्क आउट डेली इन द मॉर्निंग। आई वर्क आउट डेली इन द मॉर्निंग। मैं जल्दी सोता हूँ। आई स्लीप अर्ली। आई स्लीप अर्ली। मैं गाड़ी नहीं चलाता। आई डोंट ड्राइव। आई डोंट ड्राइव। मैं अपनी नमाज वक्त पर अदा करता हूँ। आई ऑफर माई प्रेयर्स ऑन टाइम। आई ऑफर माई प्रेयर्स ऑन टाइम। ऑफर मतलब अदा करना। मैं रोजाना कुरान पढ़ता हूँ। आई रीड कुरान डेली। आई रीड कुरान डेली। मुझे सुबह की सैर पसंद है। आई लव मॉर्निंग वॉक। आई लव मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक मतलब सुबह की सैर। अपना बिस्तर बनाओ। मेक योर बेड। मेक योर बेड। कुछ हल्का फुल्का खा लो। हैव अ स्नैक। हैव अ स्नैक। मैं सो नहीं सकता। आई कांट स्लीप। आई कांट स्लीप। दबे पांव चलो। वॉक ऑन टिपटो। वॉक ऑन टिपटो। क्या मैं कंप्यूटर गेम्स खेल सकता हूँ? कैन आई प्ले कंप्यूटर गेम्स। कैन आई प्ले कंप्यूटर गेम्स। कैन आई क्या मैम? क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो? कैन यू कॉल मी। कैन यू कॉल मी। मुझे साइकिल चलाना पसंद है। आई लाइक टू राइड अ बाइसिकल। आई लाइक टू राइड अ बाइसिकल। राइड मतलब चलाना। चलो ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं। लेट्स गो ग्रॉसरी शॉपिंग। लेट्स गो ग्रॉसरी शॉपिंग। आओ चहलकदमी के लिए चलें। लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स गो फॉर अ वॉक। कपड़ों को अलमारी में लटका दें। हैंग द क्लॉथ्स इन द कबर्ड। हैंग द क्लॉथ्स इन कबर्ड। मैं रोज दफ्तर जाता हूँ। आई गो टू द ऑफिस एवरी डे। आई गो टू द ऑफिस एवरी डे। मैं तुम्हारे घर आऊंगा। आई विल कम टू योर हाउस। आई विल कम टू योर हाउस। हाउस या होम। कपड़ों को इस्त्री करें। आयरन द क्लॉथ्स। आयरन द क्लॉथ्स। आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। एनी टाइम मतलब किसी भी वक्त। दूध वाले से दूध ले आओ। ब्रिंग द मिल्क फ्रॉम मिल्कमैन। ब्रिंग द मिल्क फ्रॉम मिल्कमैन। 10 बजे से पहले बिस्तर पर जाएं। गो टू बेड बिफोर 10 o'clock। गो टू बेड बिफोर 10 o'clock। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन से ऐसे न्यू सेंटेंसेस थे जो आपने सीखे हैं और कौन से ऐसे सेंटेंसेस थे जो आप ऑलरेडी जानते थे। मजीद हमें बताइए कि हम किस टॉपिक पे जो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लर्न विद आईजे को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।